दोस्तों यह है आईटेल का आईटेल सुपर ग्रुप 4G फोन। और इस वाले फोन का भाई हमने फुल अनबॉक्सिंग भी किया था, काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इस वाले फोन का फुल रिव्यू लेकर के आओ, जिसमें हमें बताओ कि क्या क्या फीचर्स इस वाले फोन में काम करता है, क्या हम इस वाले फोन में यूट्यूब चला सकते हैं और यूट्यूब चलेगा तो कैसे चलेगा और इस वाले फोन में और क्या क्या फीचर्स है। तो सारे कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में इस आईटेल सुपर ग्रुप 4G फोन के बारे में कंप्लीट डिटेल रिव्यू इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो आइए करते हैं इस वाले फोन का फुल रिव्यू और मैं लोगों को बताता हूं इस फोन के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं दोस्तों इस आईटेल सुपर ग्रुप 4G फोन का डिटेल में रिव्यू। तो यह है दोस्तों आईटेल सुपर ग्रुप 4G फोन और यह वाला फोन दोस्तों देखने में कुछ इस टाइप से है। यहां पे दोस्तों इस वाले फोन में कुछ 3D टेक्सचर में कीपैड मिल जाता है और इस फोन का कीपैड पूरे अल्फाबेटिक है दोस्तों। और यहां पे आप सब लोगों को क्रोम का फिनिश मिल जाता है वॉम एटम पे। और इसके साथ देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों को 2 इंच का एक बिग डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों है 4G का ब्रांडिंग, यहाँ पे आप लोगों को एयर स्पीकर्स मिल जाता है दोस्तों। फ्रंट साइड टॉप बॉटम में यहाँ पे LED टॉर्च लाइट भी मिल जाता है दोस्तों। और पूरे फ्रेम में दोस्तों ब्लैक साइडों में यहाँ पे आप सब लोगों को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है फ्रेम। और दोस्तों पीछे के साइड का इसका कैमरा, यहाँ पे आप सब लोगों को डिजिटल कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। और इस कैमरे के साथ में दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों को स्पीकर्स ग्रिल भी अटैच में मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों इसका पैनल थोड़ा सा आप सब लोगों को भाई कर्व मिलता है, ये देख सकते हो चारों तरफ से कर्व, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और यहाँ पे आप सब लोगों को पूरा मैट डिजाइन मिलता है दोस्तों, लेकिन ये है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक थोड़ा इस वाले फोन में भाई। ये देख सकते हो मेरे से एक हल्का सा भाई यहाँ पे स्क्रैच हो चुका है और यहाँ पे डेंट पड़ चुका है, तो कुछ इस टाइप से स्क्रैच आएंगे तो इस वाले फोन में ऐसे रह ही जाएगा दोस्तों। और इसके साथ नीचे के साइड में देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो टाइप चार्जिंग पोर्ट, इसके साथ यहाँ पे आप सब लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है। और भाई कुछ इस टाइप ओवरऑल ऊपर के साइड से फोन देखने में लगता है दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए इसका पैनल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे पैनल ओपन करते ही अंदर के साइड में यहाँ पे बैटरी लगाने का ऑप्शन है, जो 1000mAh का बैटरी लगता है दोस्तों इस वाले फोन में। आप यहाँ पे 2 Jio का सिम आप यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों, एक अलग टेलीकॉम कंपनी का भी लगा सकते हो, 1 Jio का एक अलग टेलीकॉम कंपनी का सिम इस वाले फोन में काम कर जाएगा दोस्तों। और इसके साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हो, 128GB तक सपोर्ट करेगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला बैटरी लग जाता है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे बैटरी लगा करके इस वाले फोन का मेन फीचर्स दिखाता हूँ। तो ओपन करने के लिए दोस्तों सिंपल है, बस पावर बटन को क्लिक कर दो और फोन हो चुका है ओपन। ये है आईटेल का फर्स्ट लोगो। तो भाई यहाँ पे फोन भी ओपन हो चुका है और ये देख सकते हो जियो 4G का यहाँ पे नेटवर्क भी आ चुका है दोस्तों। फोन अनलॉक करने के लिए ऊपर वाला की और स्टार की को एक साथ प्रेस करना पड़ता है। ये देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क भी आ चुका है। तो अभी हमने यहाँ पे जियो का सिम डाला हुआ था दोस्तों और इस वाले फोन को फुल ट्राई किया हूँ मैं। 2 दिनों तक दोस्तों इस वाले फोन को मैं फुल यूज किया हूँ और देख रहा था कि क्या क्या फीचर्स काम करता है। तो नॉर्मली अगर इसका यहाँ पे आप अनलॉक करके और इसके साथ इसका होम मेन्यू निकालोगे तो ये देख सकते हो यहाँ पे आप सब लोगों को नॉर्मल सा यहाँ पे आप लोगों को मेन्यू बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सब लोगों को कुछ भी फीचर्स नहीं मिलता है, बस यहाँ पे आप सब लोगों को कॉन्टैक्ट मैसेज और फोन और सेटिंग और क्लाउड, यहाँ पे किंग मीडिया, इस टाइप से सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से दोस्तों आपका YouTube नहीं चलेगा इस वाले फोन में। तो YouTube चलाने के लिए भी दोस्तों इस वाले फोन में अलग से सिस्टम इन्होंने दिया है। यहाँ पे दोस्तों इस वाले फोन में GSPay का भी सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव एंड सेंड कर सकते हो। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सब लोगों को YouTube ओपन करना है इस वाले फोन में, तो यहाँ पे आप सब लोगों को होम वाला जो बटन है ये, इस पे क्लिक करना होगा। तो इसका यहाँ पे आप सब लोगों को क्लाउड मीडिया ओपन हो जाता है। तो ये देख सकते हो इन्होंने किया क्या है कि इस वाले फोन में एक क्लाउड जनरेट करके इन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के थ्रू यहाँ पे इन्होंने क्लाउड मीडिया जनरेट किया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो YouTube, YouTube शॉर्ट, BBC न्यूज और इसके साथ न्यूज, वेदर, विकिपीडिया। और यहाँ पे दोस्तों आप सब लोगों को एक गेम भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ 2048 वाला एक सिस्टम है यहाँ पे और इसके साथ फ्लैश स्कोर भी देखने को मिल जाता है। तो भाई इतने सारे इन्होंने भाई क्लाउड मीडिया पे स्टोर करके दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो इस वाले फोन में, अभी ना मैं शॉर्ट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। तो ये देख सकते हो वीडियो यहाँ पे डायरेक्ट YouTube पे प्ले हो चुका है दोस्तों। अभी थोड़ा सा यहाँ पे लोड ले रहा है, देख लेते हैं, वेट करते हैं। तो भाई यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है, शॉर्ट वीडियो, ये देख सकते हो। और भी यहाँ पे आप नीचे स्लाइड करके लेके जा सकते हो और ऊपर वाला की को प्रेस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा दोस्तों। और अगर यहाँ पे आप सभी लोगों को भाई पूरा YouTube का लॉन्ग वीडियो देखना है तो क्लाउड पे क्लिक करो और इसके साथ यहाँ पे YouTube ओपन हो जाएगा। अभी आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। नेटवर्क स्पीड जैसा रहता है दोस्तों वैसा ये वाला फोन काम करता है। अपने पास तो दोस्तों इस वाले फोन के लिए अलग से सिम मैंने नहीं जनरेट किया हूँ, वही मेरा पुराना ओल्ड सिम ही यूज कर रहा हूँ।
तो ये देख सकते हो यूट्यूब का होम वीडियो भी यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे म्यूजिक, गेमिंग, मूवी और भी यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंडिंग वाले वीडियो और यहाँ पे म्यूजिक वगैरह सुनने को देखने को मिल जाता है। तो एक यहाँ पे लॉन्ग वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो अभी यहाँ पे यूट्यूब पे लोड ले रहा है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे लोड तो ले लिया है बट अभी तक इसका फोटो नहीं आया है। तो भाई ये देख सकते हो यूट्यूब पे डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो प्ले हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों इस वाले फोन में आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो और यहाँ पे आप सब लोगों को सर्च करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना खुद का चैनल सर्च करता हूँ, ठीक है। चलो भाई अभी मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया हूँ, देखते हैं क्या आता है। अरे वाह, यहाँ पे अपना मेरा चैनल आ चुका है दोस्तों। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं यहाँ से सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ चैनल को, तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं भी ओपन कर लिया हूँ, एक वीडियो प्ले करते हैं। अभी जो हमने न्यू कार लिया था दोस्तों, मेरा फर्स्ट कार दोस्तों जो यहाँ पे देख सकते हो, तो भाई ये देख सकते हो YouTube पे डायरेक्ट वीडियो प्ले हो जाता है दोस्तों। आप सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी अगर दोस्तों आप YouTube के लिए कोई भी 4G फीचर्स फोन लेना चाहते हो तो इस iTel Super Group 4G फोन को बाय कर सकते हैं दोस्तों। काफी सारे फीचर्स है और भी यहाँ पे आप सब लोगों को विकीपीडिया और भी यहाँ पे आप फिल्म वगैरह वीडियो वगैरह सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे। इस वाले फोन में 512 MB रैम और इसके साथ 4GB का मेमोरी स्टोरेज भी मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो विकीपीडिया भी है, तो कुछ पढ़ना हो लिखना हो यहाँ पे चीजें देख सकते हो, सर्च करना हो सर्च भी करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल ये वाला फोन आप सब लोगों को 1799 रुपए की मिल रही है अभी। तो आप सभी लोगों को ये वाला फोन बाय करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल लिंक दिया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। और दोस्तों और भी इस वाले फोन के बारे में कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए और फोन पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके बताना इस वाले फोन का कौन सा फीचर्स आप सब लोगों को बेस्ट लगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।